मेरे को कॉल आई उनकी तरफ से, USMI की तरफ से। तो उन्होंने बोला कि आपने एक बाइक जीती है, तो मैंने उनको बोला यार मुझे फोन मत करो, ये मुझे लगा अच्छा रॉन्ग नंबर स्कैम मुझे लगा स्कैम, क्योंकि अभी तक सही 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 तो मुझे लगा स्कैम है, तो मैंने अवॉइड किया। शाम को मुझे अपने जो फ्रेंड से उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि आपने बाइक जीती है। तो मैंने बोला हाँ यार मुझे तो कॉल आई थी, बट मैंने सीरियसली नहीं लिया था। कोशिश करता हूँ कि वापस से और कुछ अच्छा जीतूँ, क्योंकि जैसे कि मैं सुनने में आया कि पहले जो जो पहला मैच था IPL का, उसमें 50 लाख थी फर्स्ट प्राइज। असलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर, मैं आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिला बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले अरशद हुसैन डार। अरशद हुसैन डार की अगर बात की जाए तो अरशद हुसैन डार जम्मू और कश्मीर के पहले नौजवान हैं जिनको जियो सिनेमा की तरफ से बाइक तोहफे के तौर पर मिली। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्यों इन्हें जियो सिनेमा की तरफ से इतना बड़ा तोहफा मिला। तो अर्शद डार साहब, पहले आप अपने बारे में तारुफ कराएं। जी मेरा नाम अरशद हुसैन डार है, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से हूँ और टेकीपुरा इलाके से, टेकीपुरा विलेज से। और मैंने जो एजुकेशन है वो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से की है। या दैट्स अबाउट मी। तो जो अवार्ड आपको मिला है, क्योंकि बाइक मिली है, काफी बड़ा तोहफा आपको मिला है, तो ये किस चीज के लिए मिला? ये एक्चुअली जो जियो सिनेमा पे हम जो मैच देखते हैं, चलिए IPL जो अभी चालू है ठीक, जियो सिनेमा पे, जिसके व्यूवर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सही तो उसी पे एक क्विज रहता है उसके नीचे। जैसे हम लाइव मैच देखते हैं, उसके नीचे हमारे एक हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं और कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी रहते हैं क्रिकेट के रिलेटेड या प्लेयर्स के रिलेटेड। तो वही मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं वो क्विज खेलूँ, मैं बस मैच देख रहा था, क्योंकि जो मेरा फेवरेट टीम है वो मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था उस दिन, मुंबई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। तो नीचे मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा था, कुछ जनरल क्वेश्चंस थे क्रिकेट के रिलेटेड और कुछ प्रेडिक्शन थे, जैसे कि इस ओवर में कितने रन होंगे या इस ओवर में कौन आउट होगा, कौन कितने छक्के मारेगा, तो मैं करते जा रहा था। तो जैसे मैच खत्म हो गया, मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैंने मैं आप जीतोगे, जीतोगे, क्योंकि मैं उस इंटेंशन से खेल ही नहीं रहा तो था। जब आपको आपने जीता, आपको पता चला कि मैंने ये जीता है, मैंने जितने भी सवाल इन्होंने रखे थे वो सही थे, तो कैसा महसूस हो गया था? एक्चुअली एक फनी स्टोरी है, क्योंकि जब मुझे दूसरे दिन दोपहर को कॉल आई उनकी तरफ से, USMI की तरफ से, तो उन्होंने बोला कि आपने एक बाइक जीती है, तो मैंने उनको बोला यार मुझे फोन मत करो, ये मुझे लगा अच्छा रॉन्ग नंबर स्कैम, मुझे लगा स्कैम, क्योंकि अभी तक सही चल रहा सही है, सही 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 तो मुझे लगा स्कैम है, तो मैंने अवॉइड किया। तो उन्होंने मुझे वापस से कॉल किया, आप सर हमें सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड शेयर करिएगा, हम हमें कोई OTP वगैरह कोई भी पर्सनल डिटेल्स हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो मैंने फिर ऐसे ही शेयर कर दिया। फिर शाम को मुझे अपने जो फ्रेंड से उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि आपने बाइक जीती है। तो मैंने बोला हाँ यार मुझे तो कॉल आई थी, बट मैंने सीरियसली नहीं लिया था। तो फिर मैंने जब खुद भी चेक किया, वहाँ पे आता है कि कल किसने जीता था, मतलब येस्टरडे, तो मैंने चेक किया सही कि मेरा सही नाम था और अदर डिटेल्स वो सब थी, तो तभी मुझे कन्फर्म कि हाँ मैंने ये तो मोबाइल। अगर देखा जाए तो इस जितनी भी कामयाबी एक बच्चे की होती है तो इससे पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का काफी ज्यादा शौक होता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो जो ही आपने पेरेंट्स को बताया, तो सबका रिएक्शन क्या था और मामा पापा का रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, मतलब शॉकिंग था मेरे लिए, खुद शॉकिंग था, और मेरे साथ अभी एक कजन था, तो जैसे मैंने उनको बताया तो वो भी ऐसे मतलब शॉक हो शॉक हो गए। गए थे। तो जैसे मैंने घर वालों को बताया तो वो भी शॉक हो गए, यार कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो सारे दोस्त भी पूछ रहे यार ऐसा क्या किया तूने, तो यार मैं तो बताऊंगा यार, या तो 50% लक है और 50% जो नॉलेज रहती है क्रिकेट की, तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि आपका आपको क्रिकेट की ओर काफी ज्यादा रुझान है, आपको क्रिकेट की ओर काफी ज्यादा आपका शौक है क्रिकेट की ओर, कह सकते हैं कुछ हद तक तो आप खेलते हैं? जी, मैं खेला था, बट अभी जैसे कि मैं अभी पढ़ाई कंप्लीट की है मैंने, अभी जॉब कर रहा हूँ, तो बट अभी उतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट हाँ मैं नजर रख पा रहा हूँ क्रिकेट की। तो आपको प्लान था कि आप ये क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद आप जीतेंगे या फर्स्ट नहीं आएंगे सेकंड आएंगे, कुछ ऐसा दिमाग में था टू आपको? बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस मैच देख रहा था, एक्साइटिंग मैच था। तो लेकिन नीचे से क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो मैं करते जा रहा था, मुझे लग रहा था हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ, मुझे पता है इसका आंसर, तो मैं करते जा रहा था। तो जैसे कि मैंने खत्म भी किया वो क्विज, मैच भी जब कंप्लीट हो गया, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं जीता या हारा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे दूसरे दिन पता चला कि जैसे कॉल आई, तो आपने बस फन के लिए खेला था, फन के लिए खेला था मैंने, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। तो किस्मत ने कह सकते कि लक था। लेकिन आगे के प्लान्स क्या कुछ है आपके? अभी तो मैं यही बताना चाहूंगा, मेरे तो खुद के प्लान्स में बस अपना जो जॉब है वो कर रहा हूँ, और इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ, और थैंक यू सो मच जियो सिनेमा को कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी थी ताकि मैं अवेल कर पाया वो। तो अभी तो ऐसा कुछ प्लान है ही नहीं, बस मैं रोज वैसे ही मैच देख रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि वापस से और कुछ अच्छा जीतूँ, क्योंकि जैसे कि मैं सुनने में आया कि पहले जो जो पहला मैच था IPL का, उसमें 50 लाख थी फर्स्ट प्राइज को।
तो ऐसा कुछ ऑफर आएगा तो मैं बिल्कुल वापस तो इतने पैसों, क्योंकि 50 लाख एक ह्यूज अमाउंट है, तो क्या प्लान है उन पैसों का फिर? तो ऑब्वियसली अपने आप को कंडक्ट और अपनी सोसाइटी को जितना हो सके उनको मैं ये कर पाऊँ, वेलफेयर कर पाऊँ, तो वही है कि अभी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं 50 लाख जीत पाऊँ, बट जो भी है कोशिश रहेगी ऑब्वियसली। शुक्रिया थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अर्शद हुसैन डार, जिनका कहना है कि ये घर बैठे इन्होंने टीवी पे क्रिकेट देख रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते देखते देखते इनकी जो नजर है वो क्विज कॉम्पिटिशन में पड़ी थी, और वहां पर इन्होंने कुछ सवालों का जवाब दिया, जहां पर ये खुद भी हैरान है कि इन्होंने वो सारे इसके सारे सवालों के जवाब जो है सही दिए थे, और उसके बाद जियो सिनेमा की तरफ से इनको बाइक भी तोहफे के तौर पर मिली, और काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है कि जो कश्मीर का यूथ जो है वो ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है। हालांकि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि इन्होंने लकीली जीता था, इनका भी कहना यही है कि वो बाय लक इन्होंने वो जीता था। उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो इनके प्लान्स है वो फुलफिल हो जाए, जो उनके प्लान्स है वो इसी तरीके से ये उनमें भी कामयाबी हासिल करें। गुड मॉर्निंग कश्मीर के फिलहाल इतना ही, मैं जरका शफी कैमरा पर्सन आशना के साथ।